इस वीडियो में आप जिस लड़की को तड़पता देख रहे हैं, ये गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर की रहने वाली है, जो एक गंभीर बीमारी का शिकार होकर काफी तकलीफें झेल रही हैं। 23 साल नसरीन फातिमा आलिम कोर्स कर रही थी, पर 2019 से एक बीमारी में मुब्तिला होने की वजह से लड़की को पिछले 3 सालों से कई मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की को कैटाटोनिया नामी एक बीमारी हुई है, जिसकी वजह से लड़की दिन ब दिन काफी कमजोर होती जा रही है। घर वालों की माशी हालत खराब है, इसके बावजूद अब तक 3 सालों में 5 लाख के करीब ये लोग इलाज के लिए पैसा खर्च कर चुके हैं। लड़की पिछले 2 महीने से बेड पर दर्द से तड़प रही है। हालात को बिगड़ता देख डॉक्टर्स ने हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाने का मशवरा दिया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना है। 3 सालों में इलाज के दौरान घर वालों ने अपनी इस्तेताद से ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, पर आगे के इलाज के लिए मजबूर होकर आप तमाम से मदद की गुजारिश कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है, आपसे जितना हो सके मदद करने की कोशिश करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में लड़की की माँ और आरएस के एनजीओ के प्रेसिडेंट राफे शिवन खान ने हालात को बयां करते हुए आप तमाम से मदद की गुजारिश की है। आलिम कोर्स करते थे हम, 2019 से तबीयत खराब है उनकी, 5-6 लाख रुपए खर्चा करे, अभी भी फिर भी करे, दवाखाने में एडमिट करे, अब 2 महीने से तो खाना नहीं है, पानी नहीं है, आवाज़ बंद हो गई। 2 महीने से जो बिस्तर में है, क्या हालत है? क्या है वो, कुछ भी नहीं है, खाली रोना 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 है उनका, बात बंद हो गई, कुछ बोल नहीं सक रहे, उन्हों परेशान है बच्चे की तरफ से। अब डॉक्टर साहब बोले हैदराबाद के लेके जाओ बोल के, अब अल्लाह के भरोसे को अब देखेंगे इंशाल्लाह कम होगा, मेरी बच्ची सही सलामत वापस आएंगी, मेरी बच्ची जो भी वीडियो देख रहे हैं मदद करो मेरी बच्ची के खातिर, दुआ में दुआ करो मेरी बच्ची के वास्ते में, 2 महीने से खाना नहीं है। आवाज़ सुनने का सकता है सर, 2 महीने से बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं राफे शरीन खान, सोशल एक्टिविस्ट गुलबर्गा से। आज एक पेशेंट से आज हम लोग मुलाकात करे हैं, नसरीन फातिमा नामी एक लड़की है, जो कैटाटोनिया नामी एक बीमारी है, जिसे हिंदी में वही की शक्ल में भी कहा जाता है। ये बीमारी दिमाग तक पहुंचने की वजह से 2 महीने से लड़की बेड पर है, ना उसको बात आ रही है, ना वो खा पी सक रही है, टोटली उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी है। ये कंडीशन में जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारे आरएस के एनजीओ से आके उनके भाई और पापा मुलाकात करे, हम लोग फौरी आकर उनसे बातचीत करने पे पता चला है कि 2019 से बच्ची की कंडीशन ऊपर नीचे चढ़ाव होती जा रही थी, लेकिन अभी हालात बहुत ही ख़राब होने की वजह से आज हम लोगों को आके वो लोग रीच हुए हैं। तो उनके माशी हालात, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो कुछ भी नहीं है, जितना उनके पास था 5-6 लाख रुपये खर्चा आया वो हॉस्पिटल को दिखा चुके हैं। अभी बच्चे की हालत आखिरी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो मैं तमाम गुलबर्गा के ही नहीं बल्कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये लड़की की मदद करें, क्योंकि बच्चे की हालत आप लोग देख कर आप लोग खुद मदद करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें एनजीओ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर आप लोगों को इनकी हेल्प करना है तो इनका अकाउंट नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, या आप डायरेक्ट इनके इनके घर जाकर या हॉस्पिटल जाकर भी इनकी मदद कर सकते हैं।